नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गांव फगू में बीते 14 वर्षों से हर रविवार को लगने वाला पशु मेला, जो कि पिछले गांव के गुरु घर के नज़दीक लगाया जाता था, इस बार पंचायती भूमि पर लगाया गया। पिछले कुछ समय से मेले को लेकर के विवाद भी चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कई बार मेले को स्थगित भी कर दिया गया। फिर से आदेश जारी किए गए हैं कि पशु मेले को पंचायती जमीन पर ही लगवाया जाए। हालांकि झगड़े की आशंका के चलते पशु मेले में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार भुवनेश कुमार व रोड़ी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार भी अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भुवनेश कुमार का कहना है कि गांव फगू में लगने वाले पशु मेले में लाखों रुपये का राजस्व भी प्राप्त होता है। पशु मेले में लगवाने के लिए आदेश जारी करते हुए मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है। पशु मेले में शांति व्यवस्था बनी हुई है। वह पंचायत अधिकारियों को शौचालय व छाया का प्रबंध करने के भी निर्देश देंगे। पटल से पवन कुमार की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर आपके क्षेत्र में पशु अच्छे हैं कि हमारे क्षेत्र में पशु अच्छे हैं? नहीं, क्षेत्र तो में पशु हमारे में भी अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं। आप यहाँ लेने के लिए आते हो कि पशु बेचने के लिए आ रहे हो? नहीं नहीं, लेने के लिए आते हैं, हमारे अपना अपने काम है। इस बार कितनी भैंसें खरीदी आपने? अभी नहीं खरीदी कोई भी। कितनी उम्मीदें लेके जा रहे हो? बस ये है, ले लेंगे दो चार भैंस ले लेंगे। तो आपको मेले में कोई अव्यवस्था नजर नहीं? अभी नहीं। पशु मेले को लेकर कोई इस तरह की चर्चा थी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए एक बार अस्थायी तौर पर बंद करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन उसके बाद मेले का आयोजन किया गया है जो अधिकारियों की देखरेख में है। किस तरह की कानून व्यवस्था है सर? बंद करने का आदेश हमारे पास तो ऐसा कोई आदेश था नहीं, बाकी कानून व्यवस्था ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काम सारा सुचारू रूप से चल रहा है मेले का, और हमने आज 4 दिन के लिए कुरंगावाड़ी गांव में बाबा रामदेव जी का मेला है, वहां के लिए एक्स्ट्रा फोर्स हमने मांगी थी, वो भी फोर्स आ रही है। बाकी मेले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक का काम चल रहा है। सर, चर्चा है कि मेले के अंदर जो तस्कर लोग हैं वो चिट्टे की ट्रामाडोल की सप्लाई की मैसेज आ रहे हैं? सर, हमने मैं खुद भी आया हुआ हूँ, और हमने मेरी सिविल पारचात में भी मैंने अपने मुलाजिमों को तैनात किया हुआ है। ऐसा अगर कोई मिलता है तो मैं कार्रवाई करूँगा सर, सख्त से सख्त कार्रवाई।